गिरधारी एक गरीब किसान है। उसके पास अपने कुछ पुश्तैनी खेत हैं, लेकिन गिरधारी ने बैंक से बहुत सारा कर्ज ले रखा है और खराब मौसम होने की वजह से उसकी फसलों को बहुत नुकसान हुआ है। मुझे तो लगता है कि इस बार भी मौसम हमारा साथ नहीं देगा। ऐसा मत कहिए जी, अगर ये सच हुआ तो इस बार बैंक हमारे सारे खेत पर कब्जा कर लेगा, क्योंकि हमने 6 महीनों से बैंक का लोन नहीं भरा है। भला मैं क्यों चाहूँगा कि हमारी फसल बर्बाद हो, पर सब कुछ मेरे हाथ में तो नहीं है ना। जैसे ही फसल पकने का समय आता है, आसमान से ओले बरसने लगते हैं और गिरधारी की सारी फसल खराब हो जाती है। गिरधारी और उसकी पत्नी विमला दोनों रोने लगते हैं। हाय राम, हम बर्बाद हो गए, अब तो बैंक वाले हमें नहीं छोड़ेंगे। मुझे तो डर लग रहा है कि कहीं अगर हमारे खेत भी हमारे ना रहे तो हमारे किसान होने का क्या मतलब। अगले दिन गिरधारी के घर पर बैंक मैनेजर आती है। गिरधारी, तुमने 6 महीने से बैंक का लोन नहीं चुकाया है, हमें सारा लोन आज ही चाहिए, नहीं तो हम तुम्हारे खेत जब्त कर लेंगे। ऐसा मत कहिए मैडम, आप एक किसान से उसका खेत छीन लोगे तो वो बेघर हो जाएगा। देखो, मुझे तुम्हें बेघर करने का कोई शौक नहीं है, पर मेरी भी मजबूरी है, मुझे भी आगे जवाब देना पड़ता है। अगर तुम्हारे पास लोन चुकाने के लिए पैसे नहीं है तो खेत के कागज हमें दे दो, और जब तुम्हारे पास पैसे आ जाए तो लोन चुकाकर अपने खेत के कागजात वापस ले लेना और खेत तुम्हारे हो जाएंगे। गिरधारी ना चाहते हुए भी अपने खेतों के कागज बैंक मैनेजर को दे देता है। ये देखकर गिरधारी की पत्नी रोने लगती है। हम बर्बाद हो गए, आज तक मैंने कभी नहीं सुना कि किसान होकर किसी के पास अपने खेत तक नहीं है, अब हम क्या करेंगे। तुम चिंता मत करो, ऊपर वाला जरूर कोई ना कोई रास्ता दिखाएगा। कुछ दिन बीतने के बाद गिरधारी जंगल जाता है और वहाँ से एक थैले में भरकर मिट्टी लेकर आता है। ये लो, जंगल से एक थैला मिट्टी लेकर आया हूँ, इस मिट्टी से हम कुछ अपने छत पर उगा सकते हैं। पर इस मिट्टी को रखेंगे कहाँ? और कहाँ, अपनी छत पर। गिरधारी थैले में से मिट्टी को अपनी छत के कोने में बिखेर देता है। इसमें क्या बोएंगे, गेहूं, धान या कुछ और फसल तो नहीं बो सकते। क्यों ना हम इस मिट्टी में बांस के पौधे लगाएं? वैसे भी आजकल बाजार में बांस की बहुत मांग बढ़ गई है। हाँ, ये ठीक रहेगा। ठीक है, मैं अपने दोस्त से कुछ बांस के पौधे लेकर आता हूँ। गिरधारी जाकर अपने दोस्त से बांस के कुछ छोटे छोटे पौधे उधार मांग कर लाता है और अपने छत पर गिराई हुई मिट्टी में रोप देता है। हम इन पौधों की अच्छे से देखभाल करेंगे, अब यही हमारे जीने का सहारा है, अगर ये भी नहीं होंगे तो हमारी सारी उम्मीदें टूट जाएंगी। विमला हमेशा बांस के पौधों में एक एक बाल्टी पानी डालती है और देखते ही देखते कुछ ही दिनों में बांस के पौधे अच्छे हरे भरे हो जाते हैं। देखो विमला, तुम्हारी मेहनत रंग ला रही है। हाँ, पर एक समस्या हो गई है, गर्मी के कारण कुएं का पानी सूखता जा रहा है, मुझे डर है कि कहीं पूरा सूखा ना पड़ जाए, नहीं तो हमारे बांस के पौधे भी सूख जाएंगे। विमला को जिस बात का डर था वही हुआ। कुछ ही दिनों बाद भयंकर गर्मी पड़ने से कुआं सूख जाता है, जिससे गिरधारी के घर में पानी की कमी हो जाती है। अब क्या करेंगे, घर में तो दो ही बाल्टी पानी है। मैंने गमले में भगवान जी के नाम का पीपल का पेड़ लगाया है, उसे भी पानी देना जरूरी है, अगर वो सूख गया तो मेरी पूजा बीच में ही खराब हो जाएगी। नहीं नहीं, ऐसा मत करना, तुमने 1 महीने लगातार व्रत रखा है, तुम अपनी पूजा और अपना व्रत बीच में मत तोड़ना, तुम पीपल के पौधे को ही पानी दो, बांस के पौधों को रहने दो, जो होगा देखा जाएगा। विमला एक बाल्टी पानी ले जाकर गमले में डालती है जिसमें उसने पीपल का पेड़ लगाया हुआ है, और गमले के पास में दिया जलाकर पूजा करने लगती है। आज विमला की पूजा को 1 महीना बीत चुका है, जिससे उसकी पूजा संपन्न हो जाती है और उसे एक चमत्कार देखने को मिलता है। देखिए जी, इस भयानक गर्मी में भी पीपल के पौधे ने पानी नहीं पिया और इस गमले में पानी जैसे का तैसा ही है। लगता है ये भगवान का कोई चमत्कार है, तुम जाकर ये पानी बांस के पौधे में डाल दो। विमला पीपल का पौधा वाला गमला उठाकर उसे छत पर ले जाती है और उसका पानी बांस के पौधों के जड़ों में डालती है। वो पानी डालती जाती है पर वो गमला खाली नहीं होता। अजी सुनते हैं, जरा इधर आइए।
क्या हुआ? ये देखिए, मैं पानी डालते ही जा रही हूँ पर ये गमला खाली ही नहीं हो रहा है। ये सब तो भगवान का हमारे ऊपर आशीर्वाद है, जो तुमने एक महीने लगातार व्रत रखकर पूजा की है, ये सब उसी का फल मिल रहा है। इसका मतलब अब हम रोज इस सूखे में भी अपने बांस के पौधों को पानी दे सकते हैं। हाँ हाँ, जरूर दे सकते हैं। अब विमला हर दिन इस गमले में से बांस के पौधों में पानी डालती है और कुछ दिन बीत जाने के बाद एक सुबह होने पर विमला और गिरधारी जगते हैं तो वो देखते हैं कि उनके बांस के पौधे बहुत लंबे और घने हो चुके हैं और उनसे एक अलग तरह की रोशनी चमक रही है। ये देखकर दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। देखिए जी, प्रभु की लीला, हमारी मेहनत रंग लाई है और बांस के पौधे पूरी छत पर फैल गए हैं। ये पूरा बांस का जंगल ही बन गया है। लगता है अब यही बांस के पौधे हमें हमारे खेत वापस दिलाएंगे। विमला और गिरधारी खुश हो जाते हैं, पर जब रात होती है तो बांस के पौधों में एक अलग सी चमक होने के कारण एक चोर का ध्यान इस पर जाता है और वो चोरी करने के लिए गिरधारी के छत पर पहुंच जाता है। अरे वाह, इतने लंबे लंबे बांस, मैं तो इनमें से एक ही बेचकर बहुत सारे पैसे कमा सकता हूँ। चोर एक लंबे बांस की लटकी हुई टहनी को पकड़ता है और जैसे ही टहनी को नीचे के लिए खींचता है, लचीली होने के कारण टहनी ऊपर के लिए उछलती है और चोर उछलकर बांस के ऊपरी भाग में पहुंच जाता है। अरे बाप रे, मर गया मैं, यहाँ कैसे आ गया, अब नीचे कैसे उतरूंगा, अगर यहाँ से गिरा तो मेरी हड्डी पसली सब टूट जाएगी। चोर दूसरे बांस के तने में पैर रखकर नीचे आने की कोशिश करता है पर वो बांस भी लचीली होने के कारण उसे उछाल देती है और चोर वहाँ से दूर जाकर एक रेगिस्तान में गिर जाता है। अगली सुबह गिरधारी उठता है और विमला के साथ मिलकर बांस काटने लगता है। मुझे लगता है बांस अब पूरी तरह से काटने के लिए तैयार है, हमें इन्हें काट कर बाजार में ले जाना चाहिए। हाँ, वैसे भी फसल बोने का समय नजदीक आ रहा है, उससे पहले हम इन्हें बेचकर अपने खेतों को बैंक से छुड़वा लेंगे। विमला और गिरधारी दोनों मिलकर बांस काटते हैं और उन्हें बाजार में ले जाते हैं। तभी एक सुनार की नजर गिरधारी पर जाती है और वो गिरधारी के पास आकर कहता है, सोने के बांस कहाँ लेकर जा रहे हो, ये तो बहुत कीमती है। मैं इन्हें बेचने जा रहा हूँ, तुम ये सोने के बांस मुझे बेच दो, मैं तुम्हें इनकी अच्छी कीमत दूंगा। गिरधारी सभी सोने के बांसों को सुनार को बेच देता है और सुनार इसके बदले गिरधारी को बहुत सारे पैसे देता है। इन पैसों को गिरधारी बैंक में जमा कर देता है और अपने खेतों को बैंक से छुड़ा लेता है। ये लो, बैंक ने हमारे कागज वापस दे दिए, अब हम खेती कर सकते हैं। अगले दिन विमला और गिरधारी अपने खेतों को जोतने और उनमें फसल बोने के लिए खेतों की तरफ निकल पड़ते हैं। अब गिरधारी और विमला अपने खुद के खेतों में खेती करके अपना सुखी जीवन जीने लगते हैं। स्नेहा एक बिन माँ की बच्ची थी जो अपने पिता के साथ रहती थी। उसके पिता श्रीकांत एक किसान थे। उन्होंने स्नेहा के लिए दूसरी माँ लाने का विचार किया और दूसरी शादी कर ली, पर श्रीकांत की दूसरी बीवी ममता स्नेहा को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। एक दिन, स्नेहा पूरे दिन तुम रोटियां तोड़ती रहती हो, कुछ काम धाम है या नहीं? हाँ बोलो माँ, आप क्या काम करवाना चाहती हैं? मैं कर दूंगी। ये लो पैसे और पास की सब्जी मंडी से सब्जी ले आओ। ठीक है माँ। स्नेहा पैसे लेकर सब्जी मंडी चली जाती है और जब वापस आती है तो, माँ आज तो सब्जी बहुत महंगी है। सारे पैसे उड़ाई क्या? माँ आज सब्जी मंडी में सब्जी महंगी होने की वजह से थोड़ी सी ही सब्जी आ पाई है। सब्जी महंगी थी या उन पैसों से चार पकौड़ी खाली है, मैं सब जानती हूँ। थोड़ी सी ढील दी नहीं और तेरा उड़ना शुरू हो जाता है। अब नहीं माँ, मैं सच कह रही हूँ, मैंने कुछ नहीं खाया। चल रसोई में जा और खाना बना। खाना बना कुछ बनाती नहीं, बहस करवा लो इस लड़की से, पता नहीं कब तक मूंग दलेगी मेरी छाती पर। स्नेहा रसोई में खाना बनाने चल देती है। मुझे कैसे ना कैसे करके इस लड़की से अपना पीछा छुड़ाना होगा। बस मैं क्या करूं जो इस घर से चली जाए, नहीं तो मुझे जीवन भर इसे झेलना पड़ेगा। तभी ममता को एक उपाय सूझता है। ममता अपने सोने का हार स्नेहा के कमरे में छुपा देती है। सुनो जी, मेरा सोने का हार नहीं मिल रहा है। यही कहीं होगा, तुम रख कर भूल गई होगी। मैंने चारों तरफ देख लिया पर मुझे नहीं मिला। बस एक स्नेहा का कमरा रह गया है,
उसकी तलाशी लेनी है। वो मेरी माँ ने दिया था। ये कैसी बात कर रही हो? आखिर स्नेहा तुम्हारा हार क्यों चुराएगी? मैंने कब कहा चुराएगी, पर एक बार तलाशी लेने दो, क्या जाता है? हाथ कंगन को आरजी क्या? ममता स्नेहा के कमरे की तलाशी लेती है। वहाँ उसे अपना सोने का हार मिल जाता है, क्योंकि ये हार उसी ने रखा था। देखा, मैं ना कहती थी, मेरा सोने का हार स्नेहा ने ही चुराया है। अब तो आपकी आंखों के आगे है, अब तो विश्वास हो गया ना कि स्नेहा चोर है। इसकी नजर हमेशा मेरे सोने के हार पर रहती थी, और आज तो उसने चुरा भी लिया। स्नेहा, ये क्या है? तुमने अपनी माँ का सोने का हार चुराया है। तुम्हें किस बात की कमी है जो तुमने ये सब किया? नहीं पापा, मैंने सोने का हार नहीं चुराया। मुझे नहीं पता ये हार कहाँ से आया। मैं भला हार क्यों चुराऊंगी पापा? ये तो मेरी आंखों के आगे ही तेरे कमरे से निकला है। अगर तूने नहीं चुराया तो ये हार तेरे कमरे में से कैसे निकला? एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। या तो इस घर में अब ये रहेगी या फिर मैं। कल को अगर मेरा कोई और सामान इसने चुरा लिया तो मैं तो कंगाल हो जाऊंगी ना। पापा, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे घर से मत निकालिए। आज के बाद आपको कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगी। मैं एक कोने में रहूंगी। माँ, मुझे घर से मत निकालो, मैं घर का सारा काम करूंगी। श्रीकांत चुपचाप खड़ा देखता रहता है, वो कुछ नहीं बोलता। स्नेहा अपनी आंखों में आंसू लेकर उस घर से निकल जाती है और रोते रोते एक जंगल की ओर चल पड़ती है। तभी स्नेहा को एक खरगोश दिखाई देता है जो झाड़ियों में फंसा होता है। ये खरगोश तो बहुत खूबसूरत है, पर ये तो झाड़ियों में फंसा हुआ है। मुझे इसकी मदद करनी चाहिए, इसे तो झाड़ियों से चोट भी लग गई है। वो उसे झाड़ियों से निकाल देती है और जड़ी बूटी को उसके घाव पर लगा देती है। खरगोश ठीक होकर जंगल की ओर भागता है। वो खरगोश के पीछे पीछे घने जंगल के अंदर पहुंच जाती है। अरे, मैं ये कहां आ गई? ये तो घना जंगल है, इसमें तो बहुत सारे जंगली जानवर भी रहते होंगे। अब मैं क्या करूं? स्नेहा उदास होकर बैठ जाती है। ऐसे बैठने से कुछ हासिल नहीं होगा, मुझे कुछ करना होगा। मैं घर वापस भी नहीं जा सकती, मेरा तो कोई ठिकाना भी नहीं है। मुझे यहीं पर रहना होगा इस जंगल में, पर मैं इस घनघोर जंगल में जंगली जानवरों के बीच कैसे रहूंगी? अच्छा है कोई जानवर मुझे खा जाए, क्योंकि अब मेरा जीवन निरर्थक है। पापा ने मुझे निकाल दिया और माँ मुझे छोड़कर चली गई। अब मैं जीकर भी क्या करूँगी? वो ऐसा विचार कर रही होती है तभी वो खरगोश वहाँ आ जाता है। स्नेहा, तुम बहुत ही नेक लड़की हो, तुम ऐसा विचार कैसे कर सकती हो? तुम्हें तो अभी और जिंदगी जीनी है। स्नेहा चौंक जाती है और इधर उधर देखती है। स्नेहा चौंको मत, मैं बोलने वाला खरगोश हूँ। तुमने मेरी जान बचाई, तुम इस जंगल में निश्चिंत होकर रह सकती हो। यहाँ पर रहने में मैं तुम्हारी मदद करूँगा और तुम्हारी रक्षा भी करूँगा। वो कैसे? इस जंगल के सभी जानवरों को मैं समझा दूंगा, तो वो तुम्हारे पास कभी नहीं आएंगे और तुम्हारे दोस्त बनकर रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, तुम्हारे इस जंगल में रहने के लिए मुझे एक घर की जरूरत होगी, पर मेरे पास तो कुछ है भी नहीं। इसमें मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। यहाँ पास में ही बहुत सारे गन्ने हैं, उसमें तुम अपना घर बना सकती हो। जाओ, एक मजबूत और खूबसूरत घर बनेगा। स्नेहा को विचार बहुत अच्छा लगता है। वो उन गन्नों को तोड़कर ले आती है और एक बहुत ही सुंदर घर बनाती है। साथ ही नहाने के लिए एक स्विमिंग पूल भी बनाती है जो बहुत ही आकर्षक होता है। उसके गन्ने के बने हुए घर से जंगल में एक रौनक सी हो जाती है। ये तो बहुत ही सुंदर घर बना है, सभी घरों से बिल्कुल अलग। वो उस घर में रहने लग जाती है। जंगल के सभी जानवर उसकी मदद करते हैं। एक दिन एक शिकारी शिकार करने वहाँ आ जाता है और उसे वो घर दिखाई देता है। ये घर तो बहुत खूबसूरत है। ये मेरा घर है। मैं शिकार खेलते खेलते बहुत थक गया हूँ, क्या मैं इसमें थोड़ी देर रह सकता हूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं। शिकारी थोड़ी देर आराम करता है और फिर शहर में जाकर सबको गन्ने के घर के बारे में बताता है। अब तो उसके गन्ने का घर बहुत ही प्रसिद्ध हो जाता है और वहाँ पर कुछ पर्यटक भी आने लगते हैं, जिससे स्नेहा की कुछ कमाई भी हो जाती है। स्नेहा अब उस गन्ने के घर में जंगल के जानवरों के साथ हंसी खुशी रहती है।
सुनील और आसिफ दो दोस्त थे। वो दोनों एक ही गांव में रहते थे और एक साथ बांस काटने जाया करते थे। हमें जंगल की निचली ओर जाना चाहिए, वहाँ बहुत सारे बड़े बड़े बांस के पेड़ हैं। लेकिन वहाँ जाने के लिए हमें नदी पार करना होगा, पर अगर आते वक्त नदी में बहाव ज्यादा रहा तो हम लौटेंगे कैसे? हम तभी उस ओर जाएंगे जब नदी का बहाव कम हो और जल्दी जल्दी बांस काट कर लौट आएंगे। ज्यादा लंबी बांस से ज्यादा पैसे मिलेंगे, वो सोचो। ये भी ठीक है, तो कल ही चलते हैं। अगले दिन से सुनील और आसिफ निचले जंगलों में पहुंचे। यहाँ कितने मोटे मोटे बांस हैं और लंबे भी, व्यापारी इनके बहुत अच्छे दाम देंगे। हाँ, उम्दा बांस पाकर दोनों बहुत खुश थे। वे लोग उन बांस को अपने गांव ले आए। वाह वाह, बहुत दिनों बाद ऐसे बांस देखे हैं। अब इनके दाम भी अच्छे लगाना। हाँ हाँ, एक बांस के 200 रुपए। तुम दोनों 5 बांस लाए हो, इनके हुए 1,000। 1,000 पाकर दोनों बहुत खुश थे। वो पैसे दोनों ने आपस में बांट लिए। रोज छोटे छोटे बांस से बस 300 रुपए की कमाई होती थी, आज 500 रुपए की। अब तो हम जंगल के निचले हिस्से में जाया करेंगे। हाँ। उस दिन से वो दोनों नदी पार करके ही बांस लाया करते थे और व्यापारी भी उन्हें अच्छे पैसे दिया करता था। एक सुबह दोनों दोस्त जाने के लिए निकले थे। भाई, माँ ने कहा है कि बाजार से कुछ चावल और मसाले लाने हैं और मुझे पनीर भी लेना है, तो चल पहले बाजार चलते हैं, फिर वहाँ से नदी पार जाएंगे। हाँ, दोनों काम एक साथ हो जाएगा। दोनों बाजार पहुँचे और उन्हें जो जो सामान लेना था उन्होंने खरीद लिया। देख दोस्त, कितना ताजा पनीर मिला है। आज रात तो मेरी दावत है, मैं भी आऊंगा खाने। आ ना, तुझे कभी मना किया है क्या? चल अब नदी पार चलते हैं, बांस काट कर बेचना भी तो है। हाँ हाँ। और वो दोनों निचले जंगलों की ओर बढ़ गए। हमेशा की तरह उन दोनों ने नदी पार की और फिर जंगल में पहुंच गए और बांस काटने लगे। लेकिन अचानक बरसात शुरू हो गई। हमें घर लौटना चाहिए, नदी में पानी बढ़ने लगेगा। हाँ, बस ये एक बांस और काट लेते हैं। हाँ। बरसात और तेज हो गई। कुछ ही देर में उनका बांस कट गया और वो लोग बांसों को इकट्ठा करके नदी के रास्ते बढ़ने लगे। पर नदी में तूफान था। नदी में पानी बहुत ज्यादा है दोस्त, इतने उफान में नदी पार करना सुरक्षित नहीं है। हाँ, हम कुछ देर जंगल में इंतजार करते हैं। हाँ, उस ओर जो गुफा है वहीं इंतजार कर लेते हैं। दोनों गुफा की ओर गए। गुफा में पहले से कुछ सूखी लकड़ियाँ थी। इनको जला देता हूँ, थोड़ी गर्मी रहेगी। आसिफ ने जो सामान खरीदा था उसमें माचिस भी था। आसिफ ने उन सूखी लकड़ियों को आग लगा दी और दोनों दोस्त आग सेकने लगे। बहुत भूख लगी है यार, मुझे भी। सुन, हम कुछ बना लेते हैं, वैसे भी थोड़ा बहुत राशन तो हमारे पास है ही, पर हम कैसे बनाएंगे? हमारे पास बर्तन तो नहीं है। तभी आसिफ का ध्यान बांस पर गया। हमारे पास बंबू तो है, बंबू के अंदर खाना पका सकते हैं। कैसे? तुमने बंबू बिरयानी नहीं सुनी? नहीं, बंबू में बिरयानी भी बनती है, पर हमारे पास मांस कहाँ है? मांस नहीं है तो क्या हुआ, हमारे पास पनीर तो है, पनीर बिरयानी बना लेते हैं। पर कैसे? तू देखता जा। आसिफ ने 2 बांस के टुकड़े काटे, उसके पास जो चावल थे वो धो दिए। बांबू में चावल, मसाले, पानी, नमक और पनीर डाल दिया। फिर बांबू की एक ओर पेड़ के पत्तों को भर के बांबू को बंद कर दिया और फिर उन सबको अच्छे से हिलाकर जलती हुई आग में रख दिया।
अब बस 20 मिनट में हमारी बम्बू बिरयानी तैयार हो जाएगी। देखते हैं। बाम्बू आग में अच्छे से सेकने लगे और जब बाम्बू पूरी तरीके से जल गए तो बहुत ही सौंधी सुगंध गुफा में फैल गई। लगता है बिरयानी तैयार हो गई है दोस्त। असीफ ने वो बाम्बू बाहर निकाले और दो केले के पत्ते लगा दिए और जैसे ही बाम्बू थोड़े ठंडे हुए और बिरयानी केले के पत्तों पर निकाल ली। दिखने में तो बहुत स्वादिष्ट है। अब जैसी भी हो भूख लगी है, खाते हैं, चल। दोनों ने बिरयानी चखी और दोनों मंत्रमुग्ध हो गए और फिर दोनों बड़े चाव से बाम्बू बिरयानी खाने लगे। भाई तू तो ऐसी लाजवाब बाम्बू बिरयानी बनाता है ना कि क्या बोलूं। शुक्रिया, तुझे तो ये बिरयानी बेचनी चाहिए दोस्त। कहां मेहनत मजदूरी कर रहा है, इस बिरयानी को मशहूर होने में वक्त नहीं लगेगा। सच में? हाँ, तू कहे तो साथ में ढाबा खोलते हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं। जब बरसात थमी, नदी का पानी कम हुआ तो दोनों दोस्त सारे बांस लेकर अपने गांव आ गए, पर आज उन्होंने बांस बेचे नहीं। अगले दिन असीफ और सुनील ने गांव के नुक्कड़ पर अपनी दुकान लगाई। गांव वाले अचंभे में थे कि आखिर ये लोग बांस में क्या बेच रहे थे। अरे बेटा, ये क्या है? ये बम्बू बिरयानी है काका, पनीर की। बम्बू बिरयानी? जरा हमको भी खिलाओ। गांव के लोगों ने पहली बार बम्बू बिरयानी चखी। अरे वाह, क्या कमाल स्वाद है आसिफ भाई, ऐसी बिरयानी जिंदगी में नहीं खाई, मजा आ गया। असीफ और सुनील की बाम्बू बिरयानी गांव में मशहूर हो गई। ग्राहक कतार में खड़े रहकर बाम्बू बिरयानी खाने लगे। असीफ और सुनील की आमदनी कई गुना बढ़ गई। और फिर क्या था, सुनील और असीफ ने मजदूरी छोड़कर बाम्बू बिरयानी बेचना शुरू कर दिया। वो लोग दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की करने लगे। दूर दूर से लोग उनकी बाम्बू बिरयानी खाने के लिए आने लगे और देखते ही देखते उनका गांव में बहुत बड़ा होटल बन गया और दोनों अमीर भी बन गए। सोचा नहीं था कि कभी ये सब भी होगा। मैंने भी बिल्कुल नहीं सोचा था दोस्त, उस दिन वो बारिश हमारी किस्मत बदलने के लिए आई थी। हाँ, ना उस दिन बारिश आती और ना हम फंसते और ना ही हम कभी बम्बू बिरयानी बनाते। दोस्त, ये सब पहले से लिखा हुआ था। विधाता पहले से ही सबकी किस्मत लिख देता है, हम तो बस मोहरे हैं जो उसकी राह पर चलते हैं। बिल्कुल, बाम्बू बिरयानी ने असीफ और सुनील की किस्मत बदल दी और उन दोनों को जिंदगी की बहुत बड़ी बात समझ आई। परेशानियों से ही नए रास्ते मिलते हैं और न जाने कब किस्मत कौन सा मोड़ ले ले।